सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में गन्ना उत्पादक किसान लगातार काफी लंबे समय से गन्ने के भाव में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और अब तो हरियाणा की हर शुगर मिल पर किसानों ने ताला जड़ दिया है। सोनीपत में भी किसानों ने गन्ने के भाव में बढ़ोतरी को लेकर शुगर मिल से लेकर सभी चौक चौराहों से होते हुए ट्रैक्टर मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के शव के पुतले की शव यात्रा भी किसानों ने इस ट्रैक्टर मार्च के साथ साथ निकाली। वहीं सरकार ने गन्ने के भाव भी 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। तस्वीरें सोनीपत से आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कैसे एक तरफ तो किसान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसान सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि गन्ना उत्पादक किसान लगातार सरकार से गन्ने के भाव में बढ़ोतरी को लेकर मांग करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकार ने काफी लंबे समय के बाद गन्ने के भाव में 10 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर किसान सरकार के इस कदम से भी नाखुश नजर आ रहे हैं। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल नहीं करेगी, तब तक सरकार के खिलाफ इस तरह के हल्ला बोल जारी रहेंगे। सोनीपत में ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई करने वाली महिलाओं का भी कहना है कि सरकार केवल किसानों की आय दोगुना करने की घोषणाएं कर रही है, लेकिन इसकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा। प्रदर्शन की रूपरेखा गन्ने का भाव ना बढ़ाने की वजह से खट्टर की शव यात्रा निकाल रहे किसान। शुगर मिल से चलकर छोटू राम जी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण करके शुगर मिल पर आ गए, पुतला दहन करेंगे। सर, 10 रुपए का भाव सरकार ने बढ़ा दिया है। 10 रुपए का भाव हम नहीं लेते, हम 450 रुपए क्विंटल का भाव लेंगे। किसान 10 रुपए का भाव उठ के मुँह मजीरा, 10 रुपए का तो बीज का बंडल भी नहीं आता। आज क्या आता है 10 रुपए में? कब तक मिल बंद रखे जाएंगे? जब तक हमें पूरी हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक मिल बंद रहेंगे। किसानों को भी नुकसान हो रहा है, गन्ना मिल में नहीं। किसान अपनी खड़ी फसल को आग लगा देंगे अगर इनको रेट नहीं मिला तो। फिर आगे ये 10 तारीख की जो माँ पंचायत करनाल में हुई थी ना, उसमें किसानों ने हाथ उठाकर अपनी आवाज बुलंद करी थी, कहा था हम अपने खेतों में आग लगा देंगे, मिल को गन्ना नहीं देंगे। तब तक प्रदर्शन लगातार, जब तक हमारी पूरी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रदर्शन रहेगा, पूरे हरियाणा के मिल बंद रहेंगे। 10 रुपए बढ़ाकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। हम लोगों ने जो शुरू दिन से कहा था कि 450 जब तक हमारे गन्ने का भाव नहीं होगा हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। आज किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं किसान? आज हम ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं और खट्टर की शव यात्रा निकाली जाएगी, जो सोनीपत से होते हुए वापस यहीं पर आकर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तब तक मिलों को बंद रखा जाएगा। जब तक हमारा रेट नहीं बढ़ता तब तक ऐसे ही रहेगा। और आगे के 29 तारीख को जब अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर भी किसान अपना प्रदर्शन करेंगे और तब अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। अन्य संगठनों का भी आपको साथ? बिल्कुल, सभी संगठनों का, सरपंच एसोसिएशन का, सबको, सबका साथ मिल रहा हमें और सारा किसान हमारे साथ है और ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। प्रदर्शन आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बड़ा किसान जो है इस सरकार की जो अनदेखी है, जो इस देश का अन्नदाता कहा जाता है, जिस जो हमारे को अनाज खिलाता है, आज वो लगातार 20 तारीख से इस धरनों पर हरियाणा प्रदेश के जितने भी शुगर मिले हैं सबके सामने किसान लगातार 20 तारीख से बैठ के अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर है। और आज सरकार की तरफ से एक हमारे को यहाँ बात सुनाई दे रही है कि एक क्विंटल पे एक 10 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई है, ये एक बहुत ही किसान के साथ मजाक हुआ है। जिस तरीके से ऊँट के मुँह में जीरा डालने का काम किया जाता है, उसी प्रकार इस सरकार ने 1 किलो पे 10 पैसे की जो बढ़ोतरी करी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और किसान इस बात से बिल्कुल नाराज है। जब तक 450 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव नहीं होगा, किसान पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इसी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेगा और इस सरकार को जगाने का काम करेगा।